कोटा जिले के मवासा गांव के एक खेत में निकल रही 11 केवी विद्युत लाइन में अचानक स्पार्किंग होकर खेत में खड़ी गेहूं की फसल में आग लग गई। पूर्व पंचायत समिति सदस्य संजीत सिंह गुर्जर ने बताया, मंगलवार को चंडी सरदार की गेहूं की फसल में लाइट के तारों में स्पार्किंग होने से आग लग गई। आग लगने की सूचना पर आसपास के लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया, परंतु आग ज्यादा होने पर इसकी सूचना कैथुन थानाधिकारी व तहसीलदार लाडपुरा को दी गई, जिस पर दमकल मौके पर पहुंची, जहां दमकल कर्मी व स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। यहाँ पर जामपुरा में पूरी खड़ी फसल में आग लगती हुई, प्रशासन को बहुत देर से फोन कर रहे हैं, प्रशासन अभी तक गाड़ी नहीं आई, दमकल नहीं आया और लमसम लमसम 100 बीघा की फसल। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।